सिंह एंड वेलकम टू UPSC CSE हिंदी और आप सभी का स्वागत है तो कैसे हैं आप सभी आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और यहां पर हमारी चल रही है ट्वेल्थ क्लास की एनसीआरटी और ट्वेल्थ क्लास की एनसीआरटी में सबसे लास्ट वाला टॉपिक हम लोग आज पढ़ने वाले हैं आज हम लोग इसको खत्म कर देंगे कल से हम लोग नई एनसीआरटी स्टार्ट करेंगे ये है भाग एक इसके बाद हम लोग भाग दो करेंगे इसके बाद भाग तीन करेंगे तो ट्वेल्थ क्लास की एनसीआर एनसीआर टी आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी देखो हम लोगों ने जो स्टार्टिंग में बात की थी सबसे पहले हम लोगों ने समाज के बारे में सॉरी सबसे पहले हम लोगों ने प्रशासन राजनीतिक फिर समाज समाज के बाद दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में हम लोग चले गए थे अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो आर्ट एंड कल्चर के फॉर्म में एंशियंट हिस्ट्री को हम लोग पढ़ रहे हैं ओके हम लोग छह ईसा पूर्व से छह सौ ईस्वी के मध्य में जो भी हुआ था सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सांस्कृतिक सभी की हम लोग बात कर रहे हैं ठीक है ना चलिए तो एक सूचना है आप सभी लोगों के लिए ऐसे विद्यार्थी जो कि 2021 की तैयारी अच्छी तरीके से करना चाहते हैं और ढंग से अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो उनके लिए अकेडमी इंडिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म है तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं यहां पर आप डायरेक्ट एजुकेटर के साथ एंगेज हो सकते हैं उनसे अपने डाउट पूछ सकते हैं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा आपको वीकली और मंथली बेस पर मॉक टेस्ट मिलेंगे और अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिल जाएगा सिंपली कुछ नहीं करना है आपको अनअकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और वहां पर यूपीएससी सी एस पे क्लिक करना है ये कुछ बातें मेरे बारे में है जो भी विद्यार्थी ऐसे हैं जो मेरे बारे में नहीं जानते हैं तो वो देख सकते हैं ये है टेलीग्राम ग्रुप एट द रेट भूपेंद्र सिंह दिनकर के नाम से सर्च करना आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा यहां पर सारी पी आपको मिल जाएंगी और ये है अन अकेडमी भूपेंद्र सिंह दिनकर इसको आप जो है फॉलो कर सकते हैं यहां पर इंडिया के जितने भी टॉप एजुकेटर हैं ऐसा नहीं कि आप सिर्फ और सिर्फ मेरे ही कोर्स को एक्सेस कर पाओगे आप सभी के कोर्स आप एक्सेस कर सकते हैं आप अपने हिसाब से कोर्स को डिजाइन कर सकते हैं आप लगभग पंद्रह हजार पांच सौ उन्नीस कोर्स लाइव और रिकॉर्डेड अवेलेबल है Complete syllabus आप अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं Offline classes में आपको देखने को नहीं मिलेगा। और और आप unlimited access कर सकते हैं इसको। पर okay, पर ध्यान रखना, आपके पास option है प्लस का और आपके पास ऑप्शन है आइकॉनिक का जिसको प्लस लेना है वो प्लस ले सकता है आइकॉनिक ऐसे विद्यार्थी जो बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए आइकॉनिक बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पर एक साल की जो फीस है वो फोर्टी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड फीस है और बी एस लाइव कोड का यूज करोगे तो फोर्टी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड फिफ्टी हो जाएगी ट्वेंटी फोर मंथ की है यानी कि दो साल की सेवेंटी टू थाउजेंड इसमें आप बी एस लाइव कोड का यूज करोगे तो सिक्सटी फोर था एट हंड्रेड आपकी फीस हो जाएगी और तीन साल की आपकी फीस है वो है नाइनटी थाउजेंड इसमें भी आप बी एस लाइव कोड का यूज करोगे तो आपको दस परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा ऐसा ही आइकॉनिक है आइकॉनिक में आपको पर्सनल कोच मिलेगा जो आपको समय समय पर जो भी समस्याएं आती हैं उन सभी समस्याओं का आपका समाधान करेगा यहां पर जो एक साल की फीस है वो सिक्सटी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड

दो साल का कोर्स है फोर्टी थाउजेंड का यहां पर बी बी एस लाइव कोड का यूज करोगे तो थर्टी सिक्स थाउजेंड और तीन साल का कोर्स है वो है फिफ्टी थाउजेंड का इसमें भी बी एस लाइव कोड का यूज करोगे तो आपको इंस्टेंटली दस परसेंट का डिस्काउंट मिल जाएगा यहाँ पर कॉम्पिटिशन चल रहा है फर्स्ट को मैकबुक मिलेगी सेकेंड को एप्पल आईपेड मिनी थर्ड को एयरपोर्ट्स और टॉप हंड्रेड रैंकर हैं उनको वन थाउजेंड रुपए का अमेजन वाउचर मिलेगा आपके पास प्रीलिम्स के केवल छह महीने बचे हुए हैं 2021 के लिए आप चाहो तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं स्ट्रक्चर शेड्यूल डाउट क्लियरिंग सेशन और इंडिया के जितने भी टॉप एजुकेटर हैं ये सभी टॉप एजुकेटर आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे आप अपने हिसाब से कोर्स ले सकते हैं छह महीने का दो में अगर आपको देना है तो भी आपके लिए इंग्लिश हिंदी बायल 2023 वाले बच्चों के लिए भी अवेलेबल है ये स्पेशल क्लास है इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप है वो ऊपर है इसको आप ज्वाइन कीजिए इसमें नंबर भी आपको मिल जाएगा जब भी आपको एडमिशन लेना हो तो इस नंबर पर कॉल आप कर सकते हैं ठीक है चलिए तो ये है हमारा आज का सेशन ओके तो हम लोग बात कर रहे थे हम लोग बात कर रहे थे कि किस प्रकार से देखो आप देखो ये जो आपको दीवारों पर उत्कीर्णित आकृति आपको देखने को मिलती है जिस प्रकार से देखो आप लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे किस प्रकार से स्तंभ की संरचना बनाई गई है ओके तो ये जो स्तंभ की संरचना है इसके माध्यम से कहीं ना कहीं हमें समझ में आता है कि उस समय की सामाजिक गति किस प्रकार की थी धर्म में धर्म के माध्यम से यानी कि उपदेश के माध्यम से किस प्रकार के वो जो है आचरण जो है जनता तक पहुंचाते थे कहने का मतलब यह है कि जातक कथाओं की जो कहानियां हैं वो इसमें उत्कीर्णित की गई हैं। यानी कि इस चित्र को आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कहानी क्या थी कहानी को आप समझ सकते हो इन चित्रों के माध्यम से कुछ इस प्रकार की कलाकृतियां देखने को मिलती हैं और सबसे अच्छी जो कलाकृति है वो आपको अशोक के टाइम पर देखने को मिलेगी उसके बाद कुषाण लोग भी आते हैं और कुषाण लोग भी अच्छी तरीके की जो है कलाकृति बनाते हैं ओके ध्यान रखना हम लोग बात कर रहे हैं उपासना के प्रतीक के माध्यम से उपासना के प्रतीक किस प्रकार के प्रतीक होते हैं तो हम लोग बात करते हैं रिक्त स्थान बुद्ध के ध्यान की दशा तथा स्तूप के के प्रतीक प्रतीक बन गए चक्र का भी प्रतीक के रूप में प्राय इस्तेमाल किया गया देखो मैंने आपको बताया था ना किस प्रकार से चक्र का यूज कर रहे हैं इससे पहले मैंने जो आपको बताई थी आकृति ओके तो ध्यान रखना यहाँ पर जो रिक्त स्थान है वो बुद्ध की बुद्ध जो है उनकी ध्यान की दशा यानी कि बुद्ध जो है एक तरह से ध्यान में लिप्त है ओके और स्तूप आपका महा परिनिबन को दर्शाता है ओके उपासना के प्रति की हम लोग बात करते हैं आप सभी लोग जानते हैं कि सबसे पहले बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था ओके और यहाँ पर जो आपके आ, बहुत सारी मूर्तियां मिली हैं उन मूर्तियों से हम लोग एग्जैक्टली नहीं समझ सकते हैं कि किस प्रकार के संदेश किस प्रकार की कहानी है एक अनुमान लगा सकते हैं जैसे कि आप ये ऊपर देख लीजिए कुछ आपको कुछ संदेश मिल रहा है ना इससे है ना लेकिन चित्रकार ने क्या समझाने का प्रयास किया है ये समझने में थोड़ा सा मुश्किल हमें देखने को मिलती है, है ना अब हम लोग बात करें देखो पेड़ पेड़ का तात्पर्य होगा क्या अब पेड़ का तात्पर्य केवल एक पेड़ नहीं था ओके ध्यान रखना जो पेड़ का आपको सिंबल मिलेगा बहुत सारी ये चित्रकला में तो उसका मतलब यह है कि बुद्ध ने वहां पर जो है एक तरह से पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति की थी और कहीं ना कहीं ये जो पेड़ है ये दिखाता है ये पवित्र स्थान को दिखाता है ओके ध्यान रखना तो पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं है वो अगर यहाँ पर पेड़ को दिखाया गया होगा तो ये वही पेड़ होगा जहां पर भगवान बुद्ध ने अपने ज्ञान की प्राप्ति की थी ओके तो इन आकृतियों के माध्यम से हम उन कलाकारों की जो विचार है कलाकारों के जो एक तरह से अः क्या वो साबित करना चाहते हैं क्या वो समझाना चाहते हैं समाज में उन सबको देखने को मिलता है है ना और ध्यान रखना सांची में बहुत सारी आपको मूर्तियां दिखेंगी सांची का जो स्तूप आपने देखा है ना उसमें बहुत सारी मूर्तियां आपको दिखाई देंगी ये मूर्तियां डायरेक्ट बौद्ध धर्म से नहीं जुड़ी हुई हैं ओके तो आप बोलोगे सर ये सांची का स्तूप है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है तो क्यों नहीं ये बौद्ध से संबंधित है बौद्ध से संबंधित होना चाहिए मैं आपको बताऊं कि तोरण द्वार पर कुछ ऐसी कलाकृतियां भी बनाई गई हैं जो समाज की व्यवस्था को उस समय पर दिखाने का प्रयास करती हैं ओके okay, तो ये मत सोचना कि सांची के स्तूप में जो भी मूर्तियां बनाई गई हैं वो मूर्तियां डायरेक्ट बौद्ध धर्म से संबंधित होंगी उसमें समाज के बारे में भी कुछ बातें बनाई गई होंगी आप देखोगे कि सांची का जो स्तूप है उसका जो तोरण द्वार है उस पर एक सुंदर स्त्री की मूर्ति भी बनी हुई है ओके okay, और ध्यान रखना यहां पर एक झूलती हुई एक महिला है तोरण द्वार पर <coughs> वो भी चित्रित की गई है आप देखो मैंने आपको फिगर में भी बताया है तो इसका मतलब कभी कभी इतिहासकार जो हैं कुछ ऐसी उनको मूर्तियां मिलती हैं तो वो खुद जो है इसके महत्व को समझ नहीं पाते हैं क्योंकि जब धार्मिक कोई आपका स्थापत्य है तो उसमें धर्म से जुड़ी हुई चीजें ही तो होना चाहिए ना ओके बुद्ध के जीवन से संबंधित कोई चीज हो लेकिन इस प्रकार की जब मूर्तियां मिलती हैं तो इतिहासकार पड़ जाते हैं कि ये समझाना क्या चाहते हैं ओके, तो ध्यान रखना, कभी कभी मूर्तियां हमें ऐसी मिल जाती हैं जिसका अनुमान लगाना थोड़ा सा मुश्किल हमें हो जाता है ओके तो क्या मैसेज देना चाहते हैं जिसने ये मूर्ति बनाई है इसको हम लोग आधार ही मान सकते हैं ओके हम लोग बात करते हैं अब लोक परंपराओं के बारे में किस प्रकार की वहां पर जो थी परंपराएं विकसित थी किस प्रकार के अः वहां पर रीति रिवाज मौजूद थे उस समय पर ओके लोक परंपरा में यह माना जाता था कि इस स्त्री द्वारा छुए जाने से वृक्षों में फूल खिल उठते थे और फल होने लगते थे ऐसा लगता है कि यह एक शुभ प्रतीक माना जाता था और इस कारण स्तूप के अलंकरण में प्रयुक्त हुआ था है ना आपको ये झूलती हुई महिला दिखाई दे रही है ना इस झूलती हुई महिला के माध्यम से आपने देखा कि महिला के छूने से वृक्षों में फूल खिल उठे यानी कहने का मतलब इसमें शायद ये बताया जा रहा है कि महिला के माध्यम से जो है इस संसार का विकास होता है ओके कुछ भी अनुमान लगा सकते हैं और इस चित्र के माध्यम से जो तुरंत द्वार है वो काफी अच्छे दिखाई देते हैं ओके ये जो मूर्ति है इसके माध्यम से मालूम चलता है कि जो लोग बौद्ध धर्म में आए उन्होंने बुद्ध पूर्व और बौद्ध धर्म से इतर दूसरे विश्वासों प्रथाओं और धारणाओं से बौद्ध धर्म को समृद्ध किया क्योंकि तो आप सभी लोग जानते हैं बौद्ध धर्म में बहुत सारे बाहर के लोग आए थे बहुत सारे लोग लोगों ने जो है बौद्ध धर्म को अपनाया अपने विचारधारा अपनी संस्कृति बौद्ध धर्म में लेकर आए तो बौद्ध धर्म में समय समय पर बहुत सारी चीजें जुड़ती गई आप सभी जानते हैं कि बौद्ध धर्म दो भागों में डिवाइड हुआ था एक था आपका हीनयान और एक था आपका महायान और किस प्रकार से हीनयान और महायान भी कई भागों में डिवाइड हो गया जैसे कि हम लोग बात करें हीनयान ये श्रोतांत्रिक और वैभासिक में महायान की हम लोग बात करते तो महायान भी अनेक संप्रदायों में चेंज हो गया बौद्धि सत्व की जो अवधारणा है वो महायान से ही संबंधित है और आप सभी लोग जानते हैं सत्व काफी आपका महत्वपूर्ण है <coughs> सांची की जो मूर्तियां पाई गई हैं और बहुत सारे चिन्ह बहुत सारे प्रतीक पाए गए हैं ओके तो कहीं ना कहीं इन चिन्हों के माध्यम से प्रतीकों के माध्यम से उस समय के समाज के बारे में हमें जानकारी मिलती है जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं जानवरों के कुछ बहुत खूबसूरत उत्कीर्ण यहाँ पर पाए गए हैं आपने देखा होगा कि हाथी जस्ट ऊपर आप देख लीजिए सांची के स्तूप में हाथी बैल गैंडे है ना इस प्रकार की आकृति आपको देखने को मिलेगी घोड़े बंदर गाय ये बैल सभी शामिल हैं तो कहीं ना कहीं इन प्रतीकों के माध्यम से इन चिन्हों के माध्यम से ये लोग पर्यावरण को संरक्षित करने की बात बोलते हैं कि हम लोगों को सभी को साथ में रहना है ओके okay. ध्यान रखना इसमें बहुत सारी जो चीजें बनाई गई हैं बहुत सारे जो इसमें चित्र बनाए गए हैं सांची के स्तूप में उसमें बहुत सारी कथाएं हैं वो जातक से ली गई हैं और आप सभी लोग जानते हैं जातक बुद्ध के जीवन से संबंधित कहानियां होती हैं ध्यान रखना कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि ये जो तोरण द्वार पर जो आकृतियां बनाई गई हैं ये लोगों को आकर्षित करने के लिए बनाई गई हैं आप मंदिर में जाते हो ना मंदिर में बहुत सारी आकृतियां आपको ऐसे देखने को मिलती हैं जिससे आप अट्रैक्ट हो जाते हो तो वहां पर जो लोग आए हैं वो देखें अट्रैक्ट हो वहां पर बार बार आए तो हो सकता है कि इसीलिए इन लोगों ने सुंदर सुंदर जानवरों की आकृति उत्कीर्णित की होगी और ध्यान रखना कभी कभी ये जो जानवर हैं इन जानवरों को मनुष्य के गुणों के साथ जोड़ दिया जाता है जैसे कि हम लोग बात करें कि आपका हाथी है हाथी का मतलब शक्तिशाली हाथी के समान ओके तो ये सभी जो बैल हाथी बंदर इन सब का यूज किया गया है तो कहीं ना कहीं मनुष्य के गुणों को जोड़ दिया जैसे बंदर का यूज किया गया है तो हमारा जो मन है हमारा जो मन है वो एक बंदर के समान ही तो होता है एक जगह टिकी नहीं पाता है अगर एक जगह आप टिक जाएगा आपका मन तो आप तो भगवान बन जाओगे आप तो काफी इंटेलिजेंट बन जाओगे कभी कभी कुछ सोचते हो, कभी कुछ सोचते सोचते हो, okay. हो, okay. जल झड़क रहे हैं आप देखो जस्ट मैंने ऊपर आपको बताया है, है ना ये गज लक्ष्मी इसको बोलते हैं ऐसा लगता है कि जैसे ये जो हाथी हैं, उनका अभिषेक कर रहे हैं okay. और कुछ इतिहासकार हैं वो इस स्त्री को बुद्ध की माँ माया बताते हैं कि ये बुद्ध की माँ है जिसका हाथी जो है अभिषेक कर रहे हैं अब कोई भी हो क्या पता कोई और संदेश देना चाह रहा हो इतिहासकार इस मूर्ति के माध्यम से सभी लोग अनुमानी तो लगाते हैं ना कि इस मूर्ति का अर्थ ये होगा इस मूर्ति का अर्थ ये होगा इस मूर्ति की इस मूर्ति में हो सकता है कि ये बुद्ध की माँ हो माया तो सभी लोग अंदाजा लगा रहे हैं ये काफी महत्वपूर्ण है सांची के स्तूप में आप देखोगे तो ये जो आकृति दर्शाई गई है ओके ये काफी महत्वपूर्ण है इसको बहुत सारे इतिहासकार जो हैं वो गज लक्ष्मी के नाम से भी जानते हैं ओके गज लक्ष्मी सौभाग्य लाने वाली देवी थी जिन्हें प्राय हाथियों के साथ जोड़ा जाता है यानी कि सौभाग्य का ये प्रतीक थी तो आप समझना सांची के स्तूप में बहुत सारी जो आकृतियां पाई गई हैं इन आकृतियों का कुछ ना कुछ तो मतलब है और इनके माध्यम से आपको उस समय की जो प्रथाएं हैं परंपराएं हैं मान्यताएं हैं इन सब के बारे में समझने का मौका मिलता है देखिए कि सांची के, के स्तूप में बहुत सारी चीजें हमें ऐसी देखने को मिलती हैं इसके माध्यम से हम लोग अपने इतिहास को समझते हैं बौद्ध धर्म को और समझने का प्रयास करते हैं और उसी प्रकार से अगर अमरावती का स्तूप खत्म नहीं हुआ होता मैंने आपको बताया था ना अमरावती का स्तूप सबसे बड़ा स्तूप था लेकिन अमरावती का स्तूप जो है नष्ट कर दिया गया उसके महत्व को उस समय पर समझ नहीं पाए थे ओके उसका संरक्षण भी नहीं हो पाया था सांची का स्तूप तो किस्मत थी कि बच गया तभी तो अगर मान लीजिए सांची का स्तूप भी खत्म हो जाता तो हमें बहुत सारी चीजें हैं वो नहीं समझ में आती क्योंकि तो यही तो साक्ष्य होते हैं जिसके माध्यम से हम अपने इतिहास को समझते हैं तो इसी प्रकार से ये जो आपकी मूर्ति बताई गई है मूर्ति जो बनाई गई है ये मूर्ति कुछ लोग कुछ अनुमान लगाते हैं कुछ लोग कुछ अनुमान लगाते हैं ओके रखना तो कभी कोई इसको गक्ष लक्ष, लक्ष्मी बोलता है कोई इसको माया बोलता है जो बुद्ध की आ, मतलब माँ थी इसी प्रकार से कई स्तंभों पर सांपों को भी दिखाया गया है, है ना और सांप जो है इनका भी कुछ ना कुछ जो है महत्व होता होगा ओके जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि हाथी जो है शक्ति का प्रतीक होता है तो हर एक चित्र कुछ ना कुछ आकृतियां दिखाती हैं देखो आप ये, ये सांप देखो आप कुछ शेष नाक टाइप का आपको ये सांप दिख रहा होगा अब इसका क्या महत्व है अब इसका इसका क्या क्या मतलब मतलब निकालोगे निकालोगे आप आप मुझे बताओ क्या मतलब आप इसका? तो ध्यान रखना तो कईयो इतिहासकार हैं जिसमें कि हम लोग बात करें जेम्स फर्ग्यूसन इसने जो सांची को सांची के स्तूप पर जो वृक्ष की आकृति देखने को मिली है और ये जो सांप की आकृति देखने को मिली है कहीं ना कहीं ये जो इतिहासकार हैं ये सांप की आकृति को और वृक्ष की आकृति को कहीं ना कहीं जो है एक पूजा से जोड़ देते हैं यानी कि आस्था के प्रतीक हैं ये वृक्ष और ये सांप क्या हैं आस्था के प्रतीक हैं ओके और ध्यान रखना ये जो जेम्स फर्ग्यूसन थे ये बौद्ध साहित्य से इतना इतना जानते भी नहीं थे कि ढंग से ये अनुमान लगा पाए और उस समय पर जब ये आकृतियों को उकेरा गया था सॉरी जब इन आकृतियों को इतिहासकार समझने का प्रयास कर रहे थे उस समय बौद्ध ग्रंथों के बारे में पढ़ा नहीं गया था क्योंकि तो मैंने आपसे कहा था कि जब साहित्यिक स्रोत आपको पूरे मालूम चल जाएंगे उसके साथ साथ पुरातात्विक साक्ष्य भी आपको मिल जाएंगे तो इतिहास को समझने में थोड़ा सा आसानी होती है ओके ध्यान रखना इन लोगों ने बिना साहित्य ग्रंथों को पढ़े हुए इन जो चिन्ह है ये जो प्रतीक आपको देखने को मिलते हैं ये जो मूर्तियां आपको देखने को मिलती हैं सांची के स्तूप में इन्होंने अपने अपने हिसाब से निष्कर्ष निकाले तो हो सकता है कि बहुत सारी चीजें गलत हो चित्र के माध्यम से समझा कुछ और रहे हो समझ में कुछ और आ रहा हो और आप देखना कि साहित्यिक स्रोत तो लंबे समय तक बच नहीं पाते हैं लेकिन ये जो पत्थर की आकृतियां हैं ये लंबे समय तक बच जाती हैं और ध्यान रखना इतिहासकारों के लिए ये अच्छा जानकारी का स्रोत होता है क्योंकि इतिहासकारों को आसानी से ये उपलब्ध हो जाती है ओके और ध्यान रखना अतीत में चित्रकारी जैसे संप्रेषण के दूसरे माध्यम भी इस्तेमाल किए जाते थे है ना तो चित्रों के माध्यम से भी उस समय के सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्थाओं के माध्यम को समझाया जाता था अजंता में बहुत सारे चित्र आपको देखने को मिले हैं ना अजंता में गुफा नंबर सोलह है गुफा नंबर सत्रह है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है और इसमें बुद्ध के जीवन के बारे में बताया गया है बौद्ध परंपराएं हैं उसके बारे में बताया गया है तो ध्यान रखना तो इन चित्रों के माध्यम से मूर्तियों के माध्यम से हमें अपने इतिहास के बारे में और अच्छी जानकारी मिल जाती है तो बहुत सारे चित्र ऐसे थे जो कि काफी अच्छे हैं और बिल्कुल सुरक्षित हैं आप देखोगे तो आपको अच्छी तरीके से दिख जाएंगे और कुछ चित्र ऐसे हैं जो आपको ब्लर होंगे दिखाई नहीं देंगे ओके लेकिन आप अजंता की केव में जाओगे तो अजंता के केव में चित्र बनाए गए हैं अच्छी क्वालिटी के चित्र बनाए गए हैं और वहां पर जो कलर का यूज किया गया है वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का कलर का यूज किया गया है ओके अजंता के चित्र जो आपके हैं महाराष्ट्र में ओके वहां पर जातक की कथाएं देखने को मिलती हैं जातक आप सभी लोग जानते हैं ना क्या होती है जातक ओके यानी कि बुद्ध के जीवन से संबंधित बहुत सारी घटनाएं हैं उसको इसमें प्रदर्शित किया गया है और ये अजंता की केव में कभी कभी हमें राज दरबार की का जीवन है वो दिखाई देखने को मिलता है कि उस समय पर किस प्रकार से शासन चलता था किस प्रकार से मंत्री बैठे रहते थे, थे आसपास और सामने आपका राजा था ओके शोभा यात्राएं मान लीजिए कोई बौद्ध भिक्षु चल रहा है तो उसकी यात्रा चल रही है उसके उसके पीछे पीछे चल रहे हैं काम करते हुए स्त्री पुरुष त्यौहार मनाने वाले चित्र दिखाए गए हैं कि उस समय पर किस प्रकार से त्यौहार मनते थे वहां पर स्त्री और पुरुष हैं वो किस प्रकार से काम करते थे ओके तो ये सभी चीजें आपको उस समय देखने को मिलेगी ओके तो काफी अच्छा है मतलब कि चित्रों के माध्यम से आपको उस समय के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है ये काफी अच्छी बात है इसके बाद हम लोग बात करते हैं कुछ और चीजें क्योंकि देखो हम लोग आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हैं और आर्ट एंड कल्चर में आप सभी लोग जानते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है आर्ट एंड कल्चर हालांकि 2020 में क्वेश्चन नहीं आए आर्ट एंड कल्चर से लेकिन आप समझिए आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आपके बनते हैं ओके हम लोग बात करते हैं नई धार्मिक परंपराओं के बारे में अब कौन कौन सी नई धार्मिक परंपराएं परंपराओं का उदय हुआ मैंने कहा था ना कि जो बौद्ध धर्म है उसमें बहुत सारे मत संप्रदाय बनना स्टार्ट हो चुके थे मैंने कहा था कि बौद्ध धर्म आपका पहले हीनयान और महायान में चेंज हुआ उसके बाद महायान भी अनेक संप्रदायों में चेंज हुआ है ना ध्यान रखना हीनयान इतना महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन महायान काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि महायान धर्म महायान जो संप्रदाय है उसके बारे में हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है महायान बौद्ध मत में बहुत सारे साहित्यिक स्रोत मिलते हैं जिसके माध्यम से हमें महायान बौद्ध शाखा है उसके बारे में देखने को मिलता है रही बात हीनयान की तो हीनयान के हमें बहुत ही कम संप्रदाय देखने को मिलते हैं और साहित्यिक स्रोत भी हमें बहुत कम देखने को मिलते हैं महायान आप सभी लोग जानते हैं भगवान भगवान बुद्ध को मानते हैं वो और हीनयान क्या बोलते हैं कि भगवान बुद्ध कोई भगवान नहीं थे वो एक महापुरुष थे तो महायान में बहुत सारी मूर्तियां बनी बहुत सारे स्थापत्य मिले बहुत सारे साहित्यिक स्रोत मिले तो महायान शाखा आपकी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है आगे आने वाले समय में महायान काफी विकसित संप्रदाय हो चुका था ध्यान रखना ईसा की जो प्रथम सदी है ईसा की जो प्रथम सदी है इसमें बौद्ध अवधारणाओं और व्यवहार में बदलाव आना स्टार्ट हो जाते हैं तो क्योंकि स्टार्टिंग में बौद्ध धर्म काफी काफी लोकप्रिय था और उसमें विभिन्न मत के लोग शामिल नहीं हुए लेकिन बौद्ध महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु हुई और मृत्यु होने के बाद इनके अनुयायियों की संख्या बहुत बढ़ने लग गई उसके बाद बौद्ध धर्म के जो लोग हैं बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं ओके उनमें बहुत सारी नई नई बातें जुड़ना स्टार्ट हो चुकी थी मैंने कहा था ना आपसे कि बौद्ध महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद संघ बनना स्टार्ट हो चुके थे और संघ का काम था बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करना तो नए नए रूल्स वगैरह हैं वो जुड़ना है स्टार्ट हो चुके थे ईसा की प्रथम सदी के समय पर ओके और मैंने आपको कहा था कि ये जो संघ थे इनके अलग से नियम होते थे और मैंने आपको यह भी बताया था कि ये जो बौद्ध वो हैं बौद्ध महात्मा बुद्ध हैं महात्मा बुद्ध से जब पूछा गया था कि इस संसार का निर्माण क्यों हुआ है इस संसार के निर्माण के उद्देश्य क्या हैं तो महात्मा बुद्ध चुप हो गए और दर्शन शास्त्र ज्ञान की भी बात करता है और इस संसार की भी बात करता है तो आगे आने वाले समय में आपके बहुत सारे अनुयायी आते हैं बौद्ध धर्म के वो तत्व मीमांसा के क्षेत्र में भी यानी कि इस संसार के बारे में भी बहुत सारी चीजें बताते हैं बुद्ध भगवान तो सिर्फ और सिर्फ दुख को बताते हैं कि इस संसार से दुख किस प्रकार से खत्म हो सकता है जिसके लिए वो अष्टांगिक मार्ग भी बताते हैं प्रारंभिक जो बौद्ध मत है उसमें निबान के लिए व्यक्तिगत प्रयास को विशेष महत्व दिया गया है यानी कि स्टार्टिंग में कहा गया है कि अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो आप व्यक्तिगत प्रयास के माध्यम से ही मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं कोई आपको अलग से कोई मोक्ष नहीं दिलवा सकता आपको आपको अच्छे कर्म करने पड़ेंगे तभी आपको जो है मोक्ष की प्राप्ति होगी ओके और उस समय पर स्टार्टिंग में अगर हम लोग देखते हैं तो स्टार्टिंग में बुद्ध को एक महापुरुष यानी कि एक मनुष्य साधारण ओके वो समझा जाता था कि बुद्ध कोई भगवान नहीं है ये सिर्फ और सिर्फ एक मनुष्य है ओके और इन्होंने ही अपने व्यक्तिगत प्रयास के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति की है किसी किसी पुरुष ने किसी भगवान ने उनको मोक्ष नहीं दिलवाया उन्होंने अपने ही प्रयास से मोक्ष की प्राप्ति की है और कोई भी साधारण इंसान आराम से मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है उसके लिए कोई भी विशेष प्रयास की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कोई पूजा पाठ कर्म धर्म दान कुछ करने की जरूरत नहीं है आदमी आदमी जो है खुद ही अपना मुक्ति दाता है ओके अब धीरे धीरे जो है बौद्ध धर्म में जो है कभी कभी चेंज होना स्टार्ट हो गया है ना परिवर्तन आना स्टार्ट हो चुका था और धीरे धीरे जो है धर्म को सॉरी बुद्ध बुद्ध महात्मा बुद्ध को जो है भगवान की तरह जो है पूजा जाने लगा और यहीं से रूढ़ीवादी चीजें होना स्टार्ट हो गई भगवान तो खुद जो बुद्ध थे उन्होंने तो खुद ने बोला था कि मैं भगवान नहीं हूं मैं एक साधारण मनुष्य हूं और अपने ही अपने ही प्रयास के माध्यम से मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई है आप चाहो तो आप भी अपने ही ज्ञान के प्रयास से, अपने ही प्रयास से जो है आप ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हो आपको भी मोक्ष मिल सकता है ओके लेकिन आने वाले समय में भगवान जो ये महात्मा बुद्ध हैं इनको भगवान समझा जाने लगा और इनकी जो पूजा पाठ के माध्यम से है ना केवल की प्राप्ति हो सकती है कुछ इस प्रकार के जो है अवधारणाएं जुड़ना स्टार्ट हुई थी बौद्ध धर्म में और महायान धर्म है आप सभी लोग जानते हैं ये पूजा पाठ करते हैं महात्मा बुद्ध की तो आप समझ सकते हैं ना कि मैं आपको जो ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि धीरे 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 हर एक धर्म है उसमें रूढ़ीवादी चीजें जुड़ना स्टार्ट हो जाती हैं देखो पहले ब्राह्मण धर्म था ये वैदिक धर्म था ये काफी सीधा साधा सा सिंपल सा था आगे आने वाले समय में उत्तर वैदिक काल में किस प्रकार से इसमें बहुत सारी चीजें जुड़ना स्टार्ट हो चुकी थी ओके इसी प्रकार से आप समझिए इसी प्रकार से मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि बुद्ध धर्म जिसमें कि भगवान की अवधारणा को नकार दिया था कि भगवान होते ही नहीं है और आगे आने वाले समय में महायान शाखा आती है और महायान शाखा बुद्ध को ही भगवान मान लेती है ओके इसी प्रकार से यहाँ पर एक महायान संप्रदाय में एक मत आता है इसको हम लोग बौद्धि सत्व बोलते हैं और ये 2017 में क्वेश्चन आया था बौद्धि सत्व के बारे में काफी अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं आजकल यूपीएससी यहाँ पर फोकस कर रही है ओके सत्व की अवधारणा यहाँ पर प्रस्तुत होती है ओके यहाँ पर जो बौद्धि सत्व होते हैं वो उनको जो है मोक्ष की प्राप्ति मिल चुकी होती है और वो प्रयास करते हैं कि इस संसार में सभी जीव है ना उनको मोक्ष की प्राप्ति मिल जाए इसलिए वो प्रयास करते हैं सभी को जो है इस दुनिया से मुक्त करवाने का प्रयास करते हैं ओके okay? और इनका एक कंसेप्ट है देखो इनको मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी है ओके okay, ध्यान रखना संसार में सभी जीवों को जब मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी तब ये जो है अपने लिए है ना क्या समझिए आप इस बात को कहने का मतलब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है और कहा जाए तो मोक्ष की प्राप्ति भी इनको हो चुकी है लेकिन ये प्रयास करते हैं कि जब तक संसार में जितने भी जीव हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी तब तक हम भी मोक्ष की प्राप्ति लेंगे नहीं कहने का मतलब आप समझिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से कि इनके पास घर है ओके okay, इनके पास घर है लेकिन ये बोल रहे हैं कि नहीं सभी लोगों के पास जब तक घर नहीं होगा तब तक हम अपने घर में जाएंगे नहीं है ना ये सत्व है ये बंधुत्वता की भावना को आगे बढ़ाता है ध्यान रखना ये हमेशा दूसरों की सहायता करने पर विश्वास करते हैं और आज के हिसाब से भी तो यही नैतिकता है कि आप दूसरों की सहायता करो और ध्यान रखना कि धीरे धीरे बौद्धि सत्व जो है और जो बुद्ध है उनकी धीरे धीरे पूजा होना स्टार्ट हो चुकी थी यहीं से रूढ़ीवादी चीजें जुड़ना स्टार्ट हो जाती हैं भगवान बुद्ध तो खुद बोलते हैं कि नहीं मैं भगवान नहीं हूं मैं तो एक पुरुष हूं और आने वाले समय में किस प्रकार से भगवान को ही ओ, महात्मा बुद्ध को ही भगवान बना दिया जाता है ओके ध्यान रखना ये जो बौद्धि सत्व है जो कि पूजा पाठ में विश्वास रखते हैं और महात्मा बुद्ध को जो है भगवान मानते हैं ये ही आने वाले समय में महायान के नाम से जाना गया, गया। ओके आप ध्यान रखना हीन यान और महायान हीन और महायान दोनों में क्या डिफरेंस है आप ध्यान रखना इस संसार को बहुत जो है संकीर्ण मानते हैं और महायान इस संसार को जो है बहुत ही बड़ा मानते हैं महायान है ना ये बात ध्यान रखना इसलिए इनका नाम हीनयान और महायान पड़ गया ओके और ध्यान रखना कि जिन लोगों ने महात्मा बुद्ध को महापुरुष कहा उनको हीनयान कहा गया तो ध्यान से समझना कि हीनयान और महायान में क्या डिफरेंस है हीनयान वाले जो लोग हैं वो महात्मा बुद्ध को पुरुष मानते हैं महापुरुष मानते हैं भगवान नहीं मानते हैं और पूजा पाठ पर विश्वास नहीं रखते हैं इसके विपरीत अगर हम लोग जाते हैं तो जो आपके महात्मा बुद्ध हैं महायान महात्मा बुद्ध महायान जो है महात्मा बुद्ध को भगवान की तरह पूछते हैं ओके ये बात ध्यान रखना ओके आगे भी हम लोग और भी देखने का प्रयास करते हैं हीन या थेरवाद ये कौन थे ओके हीन या थेरवाद कौन थे तो महायान के अनुयायी दूसरी बौद्ध परंपराओं के समर्थक को हम लोग हीनयान अनुयायी कहते हैं मैंने आपसे कहा था ना कि ये महात्मा बुद्ध को भगवान नहीं मानते हैं और जिस प्रकार से महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश में कहा था कि मैं कोई भगवान नहीं हूं अपने कर्म के माध्यम से मुझे मोक्ष की प्राप्ति हुई है तो आप भी मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं ओके ध्यान रखना जो पुरानी जो परंपराएं हैं बुद्ध की उसको मानने वाले लोग जो लोग हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं हीन यानी लोग बोलते हैं और इसमें एक थेर है ओके थेर थेर का मतलब क्या जो आपके प्रतिष्ठित शिक्षक हैं पुराने हैं उनको हम लोग थेर बोलते हैं तो जो लोग लोग वे लोग जिन्होंने पुराने प्रतिष्ठित शिक्षकों के बताए रास्ते पर चलने वाले जो लोग होते हैं इन्हीं को हम लोग थेरवाद बोलते हैं यानी कि बुद्ध ने अपने उपदेश में जो भी चीजें बताई थी पुरानी परंपराएं ओके उनके हिसाब से चलते हैं उनको हम लोग थेरवाद बोलते हैं तो हीनयान आ जाए या फिर थेर थेरवाद आ जाए बात तो एक ही है ओके अब हम लोग बात करते हैं पौराणिक हिंदू धर्म का उदय किस प्रकार से हुआ तो ध्यान रखना कि जिस प्रकार से आगे आने वाले समय में जो महायान शाखा है वो बुद्ध भगवान को मुक्ति दाता के रूप में समझना समझने लगी थी कि भगवान बुद्ध की आप उपासना करोगे तो आपको मुक्ति मिलेगी धीरे धीरे ये जो मुक्ति दाता वाला कंसेप्ट है वो और भी संप्रदायों में इंट्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है आप भी जानते हैं ना हमारे हिंदू धर्म में मुक्तिदाता किसको बोलते हैं मुक्तिदाता आप बताओ तो सभी लोग देखो कुछ लोग विष्णु भगवान को मानते हैं कुछ लोग शिव शंकर को मानते हैं तो अलग अलग अपने अपने हिसाब से अपने अपने ईष्ट देव को मुक्तिदाता बोलते हैं जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं वैष्णव धर्म की है ना और वैष्णव धर्म में विष्णु आपके महत्वपूर्ण देवता हैं और शैव मत में हम लोग बात करें तो शिव आपके जो हैं वही आपके महत्वपूर्ण देवता हैं शेव मत वाले बोलेंगे कि भैया शिव की आराधना करो तब आपको मोक्ष की प्राप्ति मिलेगी वैष्णव संप्रदाय भाई साहब आप विष्णु भगवान की उपासना करो आपको तब जो है मोक्ष की प्राप्ति होगी और बौद्ध धर्म वाले बोलेंगे महायान वाले कि भाई साहब आप जो है महायान सॉरी जो बुद्ध है महात्मा बुद्ध है उनकी उपासना करो आपको मोक्ष की प्राप्ति मिलेगी ओके तो आप ध्यान रखना ये जो आपके महायान शाखा है ये जो आपकी वैष्णव शाखा है वैष्णव धर्म की शाखा है ये जो आपकी शैव धर्म की शाखा है इसमें कहीं ना कहीं जो है एक विशेष देवता है उनको पूजा जाता है उन्हीं की आराधना होती है उन्हीं के प्रति आस्था प्रकट की जाती है और वही भगवान जो है आपको मोक्ष की प्राप्ति दिलवाएंगे ओके ओके ध्यान रखना ये जो आपके वैष्णव संप्रदाय ये जो आपके शैव संप्रदाय हैं, इसमें कहीं ना कहीं अः आराधना के माध्यम से जो ईश्वर और जो आपका मनुष्य है इन दोनों के बीच में एक संबंध स्थापित हो जाता है जिस प्रकार से मीराबाई थी ना मीराबाई ने भगवान कृष्ण को अपना ईष्ट देव माना था और किस प्रकार से भगवान जो कृष्ण है उसकी आराधना करती है वो ओके संगीत के माध्यम से तो एक मन का प्रेम होता है एक रिश्ते वाला प्रेम होता है ओके भगवान के बीच में और उस मनुष्य के बीच में मनुष्य अपने आप को पूरा समर्पित कर देता है ओके okay? आपने भी देखा होगा आप भी किसी भगवान को मानते होंगे कईयो हो हनुमान जी को मानते हैं कई यो जो है विष्णु भगवान को मानते हैं विष्णु भगवान को तो आज के समय में बहुत कम माना जाता है शिव शंकर को मानते हैं कईयो किसी और को मानते हैं ठीक है ना तो ये सभी चीजें हैं और इसी प्रकार से आप देख लीजिए कि वैष्णव धर्म में धीरे धीरे जो है अवतारवाद की परंपरा विकसित हुई कितने अवतार होते हैं वैष्णव धर्म में आप मुझे बताओ विष्णु के कितने अवतार हैं और मैंने आपसे भी कहा था कि धीरे धीरे जो बुद्ध है उसको भी विष्णु का अवतार बताया गया तो धीरे धीरे बौद्ध धर्म के जो लोग हैं वो यहां आना स्टार्ट हो चुके थे विष्णु को अपना ईष्ट देव मानना लग गए थे और देखा जाता है कि वैष्णव धर्म में जो अवतार थे वो दस अवतार थे पहला क्या अवतार है आप मुझे बताओ देखो ये अवतारवाद की जो कल्पना है वो कहां से आना स्टार्ट हुई कि आप सभी जानते हैं इस बात को कि हमारे समाज में बहुत सारी अनैतिक लोग आ चुके हैं अनैतिकता फैल रही है पाप फैल रही है तो जब भी दुनिया में अगर पाप बढ़ेंगे पापियों की संख्या बढ़ती जाएगी इस दुनिया में अव्यवस्थाएं फैलेंगी तो उस समय पर कोई अवतार आएगा और यह अवतार आपका जो है ये अवतार जो है वो इस संसार से पापियों को नष्ट कर देगा इस प्रकार की अवधारणा आपको देखने को मिलेगी ओके ध्यान रखना इस बात को तो उस अवतार के माध्यम से वहां पर वापस नैतिकता फैल जाएगी जैसे कि आपने देखा होगा पुरानी परंपराओं में किस प्रकार से जो मतलब कभी भी कष्ट वाली जिंदगी आती है यानी कि मान लीजिए पृथ्वी अगर कोई संकट में है है ना या फिर मनुष्य जाति संकट में है राक्षसों का आक्रमण हो गया तो कोई अवतार पैदा होगा और ये अवतार उन सभी पापियों को निपटा देगा और चला जाएगा है ना इसी प्रकार से धीरे धीरे जो है अवतार वार की संकल्पना प्रस्तुत हुई और वैष्णव धर्म में दस अवतार माने गए और आप मुझे बताओ कि सबसे लास्ट वाला जो अवतार है वो कौन सा है देख लीजिए मैं आपको बताऊं जिस प्रकार से महात्मा बुद्ध को विष्णु का अवतार बताया गया और किस प्रकार से बुद्ध धर्म को जो है खत्म कर दिया गया अगर आने वाले समय में अगर ऐसा कोई इंसान आता है जिसके अनुयायी बढ़ते जाएं और हिंदू धर्म से लोग जो है भागना स्टार्ट कर दें तो आगे आने वाले समय में ये जो कल की अवतार है उसी को बोल दिया जाएगा ये तो वैष्णव विष्णु भगवान के ही अवतार है ये तो है ना तो वापस सभी लोग हिंदू धर्म में आ जाएंगे ओके ध्यान रखना इस बात को तो ध्यान रखना कि रही बात अवतार की तो ये जो अवतार हैं अपनी अपनी जो गतिविधियां हैं उनके लिए जाने जाते हैं जैसे कि विष्णु के बहुत सारे अवतार आपको देखने को मिलेंगे ओके जैसे हम लोग बौद्ध धर्म की बात करें जैसे कि हम लोग महात्मा बुद्ध की बात करें महात्मा बुद्ध में, महात्मा बुद्ध बुद्ध में में के द्वारा जो है इस संसार सभी को मोक्ष का मार्ग दिखाया गया था तो हर एक अवतार ने कुछ ना कुछ काम किए होंगे अलग अलग काम किए होंगे ओके और ये सभी जो आपके अवतार हैं ये विष्णु के ही एक रूप हैं, कोई और रूप नहीं है ओके एकीकृत धार्मिक परंपरा के निर्माण का एक महत्वपूर्ण यानी कुल मिलाकर यह है कि सभी जो आपके अलग अलग लोग हैं वो एक ही हैं। यानी कि हम लोगों बोलते हैं कि सारी चीजें अब एक हो चुकी हैं जैसे कि इस संसार में बहुत सारे धर्म है ना देखा जाए तो अवतारवाद के माध्यम से समझ में आता है कि भगवान की ओर जाने के बहुत सारे रास्ते हैं और ये रास्ते एक हो जाते हैं कुछ समय के बाद ओके कुछ इस प्रकार की कंसेप्ट आपने देखा होगा ओके ध्यान रखना कई अवतार जो हैं आपको मूर्तियों के रूप में मिलते हैं आपको दूसरे देवताओं की मूर्तियां भी मूर्तियां भी देखने को मिलेंगी ओके आप देखना कि जो शिव भगवान है उसको लिंग के रूप में दिखाया जाता है ओके। और वा बार उन्हें जो है मनुष्य के रूप में भी दिखाया जाता है शिव शंकर की जो है आपकी मूर्तियां बहुत कम देखने को मिलेंगी आपको उनके है ना शिव शंकर को लिंग के माध्यम से ही हम लोग पूछते हैं तो ध्यान रखना ये सारे जो आपको देवी देवता मिलते हैं आपको देख देखने को मिला मिलेगा कि वैष्णव संप्रदाय में दस अवतार हैं है ना शैव संप्रदाय में भी बहुत सारे आपके वो होंगे कपालिक कालामुख उसके अंदर भी बहुत सारे संप्रदाय मिल गए हैं तो कहीं ना कहीं हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारी विचारधाराएं बनना स्टार्ट हुई लेकिन अंतिम रूप से हिंदू धर्म एक ही धर्म के रूप में जोड़ा गया है ना Okay, तो ये सारी जो आपकी परंपराएं देखने को मिलती हैं जिसमें कि बहुत सारी मूर्तियों को अलग अलग बहुत सारे देवी देवता हैं उनको अलग अलग प्रतीकों के माध्यम से बता बताया दर्शाया गया है ना बहुत सारे लोग जो थे उनको अलग अलग आभूषण से अलग अलग हथियारों से आपने देखा होगा लक्ष्मी माता है उसके हाथ में जो है पैसा होता है आपने देखा होगा सरस्वती माता है उसके हाथ में किताब होती है काली माता है उसके हाथ में हथियार होते हैं तो सभी का अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग महत्व है तो इन चित्रों के माध्यम से इन मूर्तियों के माध्यम से कहीं ना कहीं हमारी धार्मिक परंपरा है उसको समझाया जाता है तो बहुत सारी ऐसा है कि ये जो आपके चित्र देखने को मिले हैं ये जो आपको मूर्तियां देखने को मिले हैं ये पत्थर के ऊपर उत्कीर्णित किए गए हैं तो ये जो इतिहासकार हैं, इन सभी इतिहासकारों ने जब इस चित्र को देखा तो स्पष्ट रूप से एग्जैक्टली exactly क्या है क्या कहानी है उसको समझने का प्रयास किया लेकिन वो सफल नहीं हो पाए देखो अगर आपको किसी चित्र को समझना है तो सबसे पहले उसके बारे में आपको थोड़ी स, बहुत जो है आपको ज्ञान होना चाहिए देखो अगर स्टार्टिंग में ये जो इतिहासकार है अगर बौद्ध साहित्यों को पढ़ते ओके सुपीटक विनय पीटक, पीटक अभिधम पीटक तो जो भी चित्र बनाए गए हैं उनका स्पष्ट रूप से ज्ञान मिल सकता था लेकिन इनने यही गलती करी स्टार्टिंग में जो इतिहासकार थे इन इतिहासकारों ने क्या नहीं किया ग्रंथों को पढ़ा नहीं और इनका ये जो मूर्ति है ये जो चित्र हैं इनकी व्याख्या की गई तो ऑब्वियसली गलत व्याख्या हो गई हाँ, तो इन मूर्तियों के अंकन का मतलब समझने के लिए इतिहासकारों को इनसे जुड़ी हुई कहानियों से परिचित होना पड़ेगा ओके okay. कई कहानियां प्रथम सहस्त्राब्दी शा, के मध्य ब्राह्मणों द्वारा रचित पुराणों में पाई जाती है इनमें बहुत से से किस्से ऐसे हैं हैं जो सैकड़ों वर्ष पहले रचने के बाद सुने सुनाए जाते थे तो वही सब बातें क्योंकि स्टार्टिंग अगर टेक्निकल भाषा में इंसान को समझाया जाएगा तो मेरे हिसाब से इंसान को समझने में बहुत दिक्कत आएगी अब कहानियों के माध्यम समझाया जाएगा तो आराम से समझ जाएंगे ध्यान रखना देखो मेरी बात सुनो अभी ये है आपका टेलीग्राम ग्रुप इसको ज्वाइन कर लेना इसमें सारे आर्ट एंड कल्चर सब कुछ मिल जाएगा आपको इसमें फाइल में आप चले जाना ओके इसके अलावा आपको एक चीज और बताना चाहता हूं मैं कि अभी छह महीने आपके बचे हुए हैं प्रीलिम्स के तो प्रीलिम्स का ये स्पेशल बैच स्टार्ट होने वाला है इस ये स्पेशल जो है आपका प्रीलिम्स के ऊपर ही फोकस रहेगा ये इसमें टॉप एजुकेटर हैं आप देख सकते हैं मृणलाल पटेल सर ओके इसमें कंप्लीट आपका पूरा जी का पेपर होगा ओके okay, इसमें सी भी आपके लिए शामिल होगा प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी होगी इसमें लाइव क्लासेस भी आपके होंगे आपको पीडीएफ मटेरियल भी मिलेगा आपको स्ट्रक्चर शेड्यूल मिलेगा डाउट क्लियरिंग सेशन सब कुछ मिलेगा आपको ओके okay? तो ये सभी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है ओके okay? तो आप एडमिशन ले सकते हैं ओके और इसमें आप बी एस लाइव कोड का यूज करोगे तो इंस्टेंटली आपको टेन परसेंट का डिस्काउंट मिल जाएगा ओके ये कोड ध्यान रखना और ऐसे बच्चे जो 2022 के लिए तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए भी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है 2023 वालों के लिए भी तो वो भी अन अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम बायो सब कुछ आपको मिलेगा ओके फीस तो आपको पता ही है फीस कितनी है फीस तो आप देख सकते हैं यहां पर एक साल दो साल तीन साल जैसा भी आपको अच्छा लगता है वैसा आप ले सकते हैं ओके चलिए वापस हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं तो ये सभी बातें हैं मतलब कहानियों के माध्यम से कहीं ना कहीं जो है जो धर्म की बातें हैं उसको समझाया जाता है और ऐसी कहानियां आपको बौद्ध धर्म में भी देखने को मिलेंगी और ऐसी कहानियां आपको जो है हिंदू धर्म में भी देखने को मिलेंगी ओके स्टार्टिंग में अगर देखा जाए तो वैदिक धर्म का जब उदय हुआ था उस समय पर ये जो श्लोक वगैरह थे ये जो कहानियां थे इनको जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए इनको याद करवाया जाता था जैसे कि आपके गुरुगुल हैं उसमें ऊंची ऊंची आवाज में सुबह सुबह उनको रटवाया जाता था तब ऐसी कोई प्रथा नहीं थी कि किताब को पढ़ा जाए और आगे ज्ञान को सुरक्षित रखा जाए ओके ध्यान रखना स्टार्टिंग में अगर हम लोग बात करते हैं तो उत्तर वैदिक काल से पहले की हम लोग बात करें वैदिक काल में तो वैदिक काल में शूद्रों को और महिलाओं को साहित्य पढ़ने अधिकार था लेकिन जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल आता है उत्तर वैदिक काल में किस प्रकार से शूद्रों को अलग कर दिया जाता है और किस प्रकार से महिलाओं का भी वस्तुकरण कर दिया जाता है तो महिलाओं को वैदिक साहित्य पढ़ने की अनुमति नहीं थी एक बात मैं आपको बताऊं कि किसी भी इंसान को बर्बाद करना है ना तो आप उसको अशिक्षित कर दो अगर वो अशिक्षित है ओके अगर वो अशिक्षित है तो आराम से आप उसको अपना गुलाम बना सकते हो देखो शूद्रों को ज्ञान नहीं दिया गया इसलिए वो गुलाम बने रहे महिलाएं इसलिए गुलाम बनी रही क्योंकि तो उनको शिक्षा नहीं दी गई आपने देखा होगा जो भी महिलाएं पढ़ी लिखी हैं वो अपने अधिकारों के प्रति जो है, जागरूक हैं और अपने अधिकारों की मांग करती हैं और उनको मिल भी जाते हैं जो अशिक्षित महिलाएं हैं उनकी कंडीशन तो और भी बुरी है तो वही सब बातें हैं तो वैदिक काल की हम लोग बात करते हैं तो वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल में शूद्र और महिला ऐसे लोग थे जिनको शिक्षा नहीं दी जाती थी यानी कि वैदिक वैद जो आपके वेद हैं उनको पढ़ने की अनुमति नहीं थी ध्यान रखना आगे आने वाले समय में बहुत सारी धार्मिक परंपराएं विकसित हुई ओके और बहुत सारे हमें ऐसी कहानियां भी देखने को मिलती हैं जिसमें समाज के बारे में जो है बताया गया है हमने देखा था कि महाभारत ओके महाभारत रामायण के माध्यम से हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है ओके किस प्रकार का समाज था इसी प्रकार से कुछ पर्टिकुलर कहानियां भी देखने को मिलती है जिसमें नायक नायिका के माध्यम से समाज में हो रही गतिविधियां हैं उसको समझाया जाता जाता था ओके okay? जैसे कि पुजारी व्यापारी सामान्य स्त्री पुरुष एक दूसरे जगह जाते हुए प्रदर्शित किए जाते थे इनकी जो अवधारणाएं हैं उनकी जो मान्यताएं हैं ओके okay? जो ये मानते हैं इन सबको चित्रित कर दिया जाता है कभी कभी दीवारों में तो इनके माध्यम से हमें समझ में आता है कि उस समय पर किस प्रकार की परंपराएं किस प्रकार की सामाजिक गति गतिविधि रही होंगी ओके जैसे हम लोग बात करते हैं कि उदाहरण के लिए आप जानते हैं कि वासुदेव कृष्ण मथुरा इलाके के महत्वपूर्ण देवता थे जानते हैं ना आपने सुना होगा कई शताब्दी के दौरान उनकी पूजा देश के दूसरे इलाकों में भी फैल गई जिस समय सांची जैसी है, है ना एक मिनट हाँ अब हम लोग बात करते हैं मंदिरों का बनवाया जाना कि मंदिर क्यों बनाए गए थे तो आप समझना कि जैसे पहले के समय पर स्तूप बनवाए गए थे वैसे वैसे धीरे धीरे जो है देवी देवताओं की मूर्ति बनना, बनना स्टार्ट हो चुकी थी क्योंकि देखो पहले के समय में अगर हम लोग बात करें तो देवी देवताओं की मूर्ति नहीं बनती थी वैदिक काल में कोई मूर्ति मूर्ति नहीं थी आप समझ सकते हैं इस बात को ओके लेकिन जैसे ही मथुरा कला का विकास होता है और आप सभी लोग जानते हैं मथुरा कलाम है गांधार कलाम है जो आपके बुद्ध हैं उनकी मूर्तियां बनाई गई हैं और यहीं से मूर्ति की मूर्ति बनाने की जो जो प्रक्रिया है जो परंपरा है वो विकसित हो जाती है आने वाले समय में जो हिंदू देवी देवता हैं इनकी भी मूर्तियां बनना स्टार्ट हो जाती हैं ओके और अब ये मूर्तियां हैं इन मूर्तियों को कहीं ना कहीं तो रखेंगे तो इन मूर्तियों को धीरे धीरे मंदिरों में स्थापित किया जाने लगा इसी प्रकार से धीरे धीरे जो है आपके मंदिर निर्माण की शैली है वो विकसित हुई आपने देखा होगा द्रविड़ कला है है ना आपने देखा होगा वैसर शैली है मंदिर निर्माण की ओके आपने देखा होगा नागर शैली है मंदिर निर्माण की तो धीरे धीरे जो है अलग अलग क्षेत्रों में मंदिर निर्माण की अलग अलग कला जो है विकसित होना स्टार्ट हुई बेसिकली हम लोग बात करते हैं तो एक चौकोर कमरा होता है इस चौक सॉरी चौकोर चबूतरा टाइप का होता है इस चौकोर चबूतरे टाइप के ऊपर कुछ चार दीवार बनाई जाती हैं अब ये चार दीवार में बहुत सारे जो चीजें होती हैं वो अलग अलग हो जाती हैं जैसे गांधार शैली और सॉरी जैसे कि हम लोग बैसर शैली की बात करें जैसे कि हम लोग बात करें द्रविड़ शैली की हम लोग बात करें ओके okay, तो इनमें चेंजेस देखने को मिल जाएंगे मंदिर में ध्यान रखना इसमें एक दरवाजा होता है उपासक मूर्ति की पूजा करने के लिए भीतर जा सकता है इस दरबार के माध्यम से इसमें एक गर्भ गर्भग्रह होता है ओके okay, इस गर्भ गर्भगृह को थोड़ा सा ऊंचा बनाया जाता है इसकी छत जो है इसकी ऊंची बनाई जाती है और इस ग्रह गर्भगृह जो होता है इसी में मूर्तियां होती हैं ये पवित्र स्थान माना जाता है ओके okay, ये जो आपका ऊंचा स्थान होता है ना सबसे ऊंचा आपने चोटी टाइप की देखी होगी उसमें कुछ झंडे टाइप के लगे होंगे वही आपका गर्भ गर्भगृह होता है ओके ध्यान रखना मंदिर की जो दीवार होती है अंदर साइड की उसमें कुछ ना कुछ चित्र उत्कीर्णित किए जाते हैं आप बंगाल साइड के मंदिरों में आप जाओगे तो वहां पर जो आपको मंदिर देखने को मिलते हैं आप पुरी के मंदिर में आप जाओगे तो पुरी के मंदिर के अंदर दीवारों पर बहुत सारे चित्र बनाए गए हैं अब ये चित्र आपके धार्मिक हो सकते हैं ये चित्र आपके सामाजिक परंपराओं से जुड़े हुए भी हो सकते हैं ओके तो ध्यान रखना कि देखा जाए तो तीसरी शताब्दी पूर्व है ना तीसरी शताब्दी के समय पर हम लोग बात करते हैं तो उस समय पर स्थापत्य शैली में देखा जाए तो मंदिरों का विकास काफी हुआ था ओके और ध्यान रखना धीरे धीरे मंदिरों के बहुत सारी शैलियां विकसित हुई जैसे कि हम लोग बात करें नागर शैली जो कि आपकी उत्तर भारत में है वैसर शैली की हम लोग बात करते हैं ओके जो आ, हिमाचल से आ, हिमाचल नहीं सॉरी ये जो आपका आ, अरावली की जो पहाड़ियां हैं है ना उससे लेकर जो आपका कृष्णा नदी है वहां तक का क्षेत्र है वहां पर वेसर शैली देखने को मिलती है और इससे नीचे की हम लोग बात करते हैं तो वहां पर द्रविड़ शैली देखने को मिलती है तो धीरे धीरे जो है मंदिर निर्माण की शैली विकसित होना स्टार्ट हुई और बहुत सारे आपके राजा राजा आए इन महाराज ने दान धर्म देना स्टार्ट किया और इसके बाद भव्य मंदिर बनना स्टार्ट हो चुके थे आपने देखा होगा कि पल्लव शासक ऐसे थे जिन्होंने काफी दान धर्म दिया मंदिरों के निर्माण के लिए ऐसा नहीं पल्लव ने गुप्तों ने इसके अलावा चोलों ने भी बहुत सारे मंदिर बनवाए और इन मंदिरों के माध्यम से कहीं ना कहीं जो है आपकी मंदिर शैली है उसका काफी विकास हुआ ओके स्टार्टिंग में आप देखना स्टार्टिंग में जो आपके मंदिर बने थे उसमें इतना अलंकरण आपको देखने को नहीं मिलेगा उसमें जो एक पहाड़ी है पहाड़ी को काट दिया है और पहाड़ी को काट कर उसी में जो है एक तरह से मूर्ति मूर्ति स्थापित कर दी लेकिन आने वाले समय में जो है बहुत सारी मंदिरों की परंपराएं हैं मंदिर निर्माण की शैली है उसका विकास हुआ द्रविड़ शैली नागर शैली वैश्व शैली इसके बारे में तो आपने वैसे भी सुना होगा है ना शुरू के जो मंदिर थे वो स्टार्टिंग में खोखले टाइप की हुआ करते थे जैसे कि इसको देख लीजिए आप कुछ पहाड़ टाइप का है एग्जैक्टली वैसा तो नहीं है लेकिन आप समझिए ये, ये पहाड़ टाइप का है इसको काट दिया है ओके और काटने के बाद इसमें जो है मूर्ति स्थापित कर दी इसमें कुछ भी अलंकरण आपको देखने को नहीं मिलेगा जो स्टार्टिंग का दरवाजा है उसमें थोड़ा बहुत कुछ सजावट की जाएगी और भी स्टार्टिंग में आप जाओगे तो और भी स्टार्टिंग में आपको ये दरवाजा है इसमें भी आपको कुछ अलंकरण अलंकरण साज सज्जा वाली चीज देखने को नहीं मिलेगी ओके तो इसी प्रकार की जो गुफाएं हैं वो आपको देखने को मिलेंगी जो कि इंसान के द्वारा बनाई गई थी जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं ध्यान रखना कहीं ना कहीं ये जो परंपरा है वो अशोक के टाइम पर विकसित हुई थी अशोक के टाइम के समय पर अशोक ने बहुत सारी जो गुफाएं हैं वो बनवाई थी किन के लिए संतों के लिए तो अशोक एक ऐसा इंसान था जिसने जैनों के लिए भी विहार बनवाए बौद्धों के लिए भी विहार बनवाए आजी, आजीवक संप्रदाय के लोग हैं उनके लिए भी बहुत सारी गुफाएं बनवाई और मुख्य रूप से इसमें पूजा पाठ भी होती थी इसके अलावा इसमें जो संत वगैरह हैं जो मोंक होते हैं वो रहते भी थे ओके तो ध्यान रखना समय समय पर मंदिर निर्माण की शैली जो है काफी विकसित होती रही ओके और आप सभी लोग जानते हैं आठवीं शताब्दी में कैलाशनाथ मंदिर है जो कि एक शिव को समर्पित है ओके आप देखोगे कि कितना अच्छा बना हुआ है वो मंदिर और ये जो मंदिर बना है कैलाशनाथ का जो मंदिर है आठवीं सदी में जो बना था ये पूरे पहाड़ को काट कर बनाया गया है ऊपर से नीचे तक पहाड़ को काट कर बनाया गया है ओके आप समझ सकते हैं कितना टाइम लगा होगा पहाड़ को काटकर आकृति देना पूरा मंदिर की एक बहुत बड़ी कलाकारी है ओके एक ताम्र अभिलेख है एलोरा के प्रमुख तक्षक द्वारा इसका निर्माण समाप्त करने के बाद उसके आश्चर्य को व्यक्त करता है हे hey भगवान ये मैंने कैसे बनाया है ना कहने का मतलब यह है कि एक पहाड़ को काटकर एक मंदिर की आकृति देना बहुत बड़ी बात है देखो आप आपने देखा होगा कि मूर्तियां बनती हैं मूर्तियों को बनाने में भी काफी टाइम लगता है ना आप तो सोचो कि इतने बड़े बड़े मंदिर बना दिए पहाड़ों को काटकर ये तो बहुत ही अचंबित करने वाली बात है ओके okay. तो आप समझना इस बात को कि आपको अभी तक जो है हमारे अतीत के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल चुकी है हम लोगों ने देखा कि 600 सौ ईसा पूर्व से 600 सौ ईस्वी तक किस प्रकार से किस प्रकार का समाज था किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था थी किस प्रकार से वहां पर आर्थिक क्रियाएं होती थी हम लोगों ने दर्शन के क्षेत्र में भी बात की थी हम लोगों ने जो है समाज के बारे में बात की थी हर क्षेत्र में अभी हम लोग जो पढ़ने अभी हम लोग जो पढ़ के आए हैं उसमें हम लोगों ने कला एवं संस्कृति की बात की किस प्रकार की चित्रकारी उस समय पर होती थी किस प्रकार के स्थापत्य उस समय पर बनाए जाते थे है ना किस प्रकार के मंदिर थे इन सभी के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है तो कुछ ऐसे साक्ष्य हैं मंदिर के आपके स्तूप के आपके चित्र के जो नष्ट हो चुके हैं और जो बचे कुचे हैं उसके माध्यम से हम तत्कालीन समय के इतिहास को समझने का प्रयास करते हैं जो बचा कुचा है संरक्षित है आप सभी जानते हैं ना कि अमरावती का जो स्तूप है वो तो बिल्कुल ही खत्म हो चुका है अगर अमरावती का स्तूप अगर हमें मिल जाता तो अमरावती के स्तूप के माध्यम से हम बहुत सारी जानकारी एकत्रित कर सकते थे ओके फिर भी हमें जो भी बचा कुचा मिलता है और उससे हमें बहुत सारी जो है अः बातें समझ में आती हैं किस प्रकार का समाज था उस समय पर किस प्रकार की आर्थिक क्रियाएं चलती थी किस प्रकार से वहां पर जो है धार्मिक परंपराएं विकसित हुई थी ओके ध्यान रखना कभी कभी हम लोग जो है इतिहास को समझने में गलती कर देते हैं कि चित्र कुछ और बताया गया होगा जैसे एक आदमी है नहीं जैसे एक चित्र है ओके एक चित्र आप एक आदमी आदमी को दिखाओगे तो वो कुछ और बोलेगा कि चित्र ये बातें कह रहा है दूसरे आदमी को दिखाओगे तो वो ये बोलेगा कि भाई ये चित्र जो है ये बोल रहा है ओके तो बहुत सारे विचारक आए हैं जिन्होंने चित्रों का अलग अलग मतलब निकाला है ओके तो पूरी तरह से अगर आपको किसी स्थापत्य को किसी पुरातात्विक साक्ष्य को समझना है तो सबसे पहले आपको उस चीज के साहित्य ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे है ना साहित्य ग्रंथ के माध्यम से आप समझ सकते हैं ओके तो ध्यान रखना तो ये सभी जो आपको मूर्तियां मिली हैं ये मूर्तियों को वाकई में क्या वो पूछते थे इस मूर्तियों का मतलब क्या है जिस प्रकार से आज के समय में हम लोग मूर्ति पूजा करते हैं तो उस समय पर भी क्या मूर्ति पूजा होती थी क्या महत्व था और कुछ मूर्तियां तो आपको देखने को मिलेंगी कि पहाड़ों को काटकर बनाई गई है मतलब बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई गई हैं जैसे कि आप बुद्ध भगवान की देखोगे

इन लोगों ने सांची का स्तूप भी देखा इन लोगों ने दक्षिण भारत में गय शैली के मंदिर भी देखे इन लोगों ने मूर्तियां भी देखी है ना उस समय पर ये जो यूरोपियन लोग थे इसके महत्व को समझ नहीं पाए और बहुत सारे यूरोपीय लोग थे हमारे देश में से अच्छी अच्छी जो मंदिर की मूर्तियां थी उसको लेकर चले गए ओके उसको लेकर चले गए ओके तो बहुत सारी चीजें जो हैं विकृत कर दी गई आपने देखा होगा कि जब आप फोर्ट वोर्ट में जाते हो तो कटी वटी मूर्तियां देखने को मिलती हैं बहुत सारी विदेशी आक्रमणकारी है इन विदेशी आक्रमणकारियों ने क्या है बहुत सारी मूर्तियों खंडित कर दिया है ना तो कहीं ना कहीं हमें ये देखने को मिलता है कि बहुत सारी चीजें हम लोगों ने मिस कर दी अगर इसका संरक्षण किया जाता समय समय पर तो हमें अपने इतिहास को समझने में बहुत सारी जानकारी मिलती ओके इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे हम लोग कल नई एनसीईआरटी स्टार्ट कर देंगे ओके कुछ बातें इसमें बची हुई हैं थोड़ी बहुत उसको हम बाद कल के लेक्चर में बाद में ऐड कर लेंगे ओके चलिए तो हम लोग इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं और एक सूचना है आपके लिए अभी प्रीलिम्स के छह महीने बचे हुए हैं तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं ओके ये बैच आप देखते हैं देखो स्पेशली ये प्रीलिम्स को देखकर ही बनाया गया है पंद्रह दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है जो छूटे गए लेक्चर है ओके आपको, आपको, okay, आपको फ्री पीडीएफ मटेरियल मिलेगा आपको स्ट्रक्चर शेड्यूल डाउट क्लियरिंग सेशन सब कुछ मिलेगा आपको और ये कुछ बैच ऐसे हैं जो कि दो साल तीन साल वाले हैं तो आप जो भी लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं इसमें सिंपली आपको जो है Uh, कुछ नहीं करना अनअकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और अनअकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको यूपीएससी सी एस सी पे क्लिक करना है फिर आपके पास ऑप्शन होगा आप चाहो तो आइकॉनिक ले सकते हो आप चाहो तो प्लस ले सकते हो इसमें आप बी एस लाई कोड का यूज करोगे तो आपको इंस्टेंटली टेन परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा और आप मेरी गाइडेंस में आ जाएंगे ये है बी बी एस लाई बी फोर भूपेंद्र एस फोर सिंह एल आई बी ई लाइव ओके तो ये सभी बातें हैं जो आपको ध्यान लख, ध्यान रखनी है तो आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ऊपर टेलीग्राम ग्रुप है आपको सेशन मिल जाएंगे इसी टेलीग्राम ग्रुप पे सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी फाइल वगैरह भी आपको यहां मिल जाएंगे ओके और ये नीचे कोड है दस परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा कोई सा भी कोर्स आप लोगे चाहे छह महीने का बैच कोर्स लो चाहे दो साल का चाहे एक साल का आइकॉनिक चाहे प्लस हर किसी पर आपको जो है दस परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा ओके तो आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कल फिर से मिलते हैं नई एनसीआर के साथ